हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी फूड। तो आज हम बनाएंगे शाही टोस्ट या शाही टुकड़ा, जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है। अब जनरली होली हो या कोई भी फेस्टिवल में हमें कोई ज़बरदस्त मिठाई बनानी हो या बची हुई चाशनी को काम में लेना हो तो ये रेसिपी आपके बहुत काम की है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो शाही टुकड़ा या शाही टोस्ट बनाने के लिए तो सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए पैन में 1 कप पानी लेंगे और 2 कप शक्कर, मतलब अगर आप जितना भी पानी लेंगे उसकी डबल क्वांटिटी में हमको शक्कर लेना है, मतलब शुगर ऐड करना है। अब इसमें हम शुगर को ऐड कर देंगे। शुगर ऐड करने के बाद हम इसे लो फ्लेम में लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि शुगर मेल्ट ना हो जाए। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं, ये 2 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद देखते हैं शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद 1-2 मिनट और पकाएंगे, इतना कि चाशनी का एक तार पूरी तरीके से ना बने। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल चिपचिपा है, बिल्कुल ऐसे ही चाशनी चाहिए। अब गैस बंद कर दीजिए और इसमें फ्लेवर के लिए हम थोड़ी सी इलायची पाउडर ऐड करेंगे। आप इसमें रोज़ वाटर और केसर भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। और हम चलाएंगे, चला के हम गैस को बंद कर दें। अब हमने यहाँ पे 5 ब्रेड लिए हैं, ब्रेड के किनारों को कट करके निकाल दिया है और इसके दो दो स्लाइस कर लिए हैं। अब हम ब्रेड को फ्राई करेंगे, तो चलिए फ्राई करते हैं। उसके लिए हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में घी डालेंगे और घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम सारे ब्रेड को फ्राई करेंगे। घी गर्म हो चुका है, अब हम सारे ब्रेड के स्लाइस को फ्राई करेंगे। तो अब एक एक करके सारे ब्रेड के स्लाइस को फ्राई कर लीजिए। जब ये अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर का है, सुनहरा कलर का हो जाए तो इसको निकाल कर चाशनी में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसे ही हम दूसरा ब्रेड का स्लाइस डालेंगे और उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये बिल्कुल अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तो उसको हम चाशनी में ट्रांसफ़र करेंगे। चाशनी में डालने से चाशनी सारे ब्रेड में बहुत अच्छे से अंदर चली जाएगी और ब्रेड बहुत स्वादिष्ट और क्रंची बनेगा। तो ऐसे ही एक एक करके सारे ब्रेड के स्लाइस को हम गोल्डन ब्राउन गोल्ड मतलब सुनहरा होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे और चाशनी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, चाशनी कितने अच्छे से अंदर चली गई है और हमारा शाही टुकड़ा बनकर रेडी है। तो इसको गार्निश करने के लिए इलायची पाउडर, बादाम और नारियल का बूरा लेंगे। अब हम इस पर अच्छे से इलायची पाउडर डालेंगे, गार्निश करेंगे इलायची पाउडर से। थोड़ा सा और इलायची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा बादाम डालेंगे और थोड़ा सा नारियल का बूरा डालेंगे। आप इसको रबड़ी के साथ भी गार्निश कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने अच्छे से नारियल से भी गार्निश कर दिया है। आपको रबड़ी पसंद है तो आप रबड़ी भी डाल के गार्निश कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल बनकर रेडी है हमारा शाही टुकड़ा या शाही टोस्ट। रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें।